नमस्कार, स्वागत है आपका द मोर्चा की डेली बुलेटिन पर। मैं हूं आपके साथ राकेश शौकंद। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर रविवार को कहा, हमने गोवा सरकार को लिखित में भेज दिया है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। गोवा पुलिस का कहना है कि पहले हम जांच पूरी कर लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जांच करने के बाद भी अगर परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से जांच सीबीआई को दी जाएगी। अपोलो रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत है। अपोलो रोड पर किराए के मकान में रहने वाले महावीर ने बताया कि मैं व मेरा दोस्त मोनू कल शाम को घूमने के लिए अपोलो रोड पर निकले थे। उसी समय जींद की तरफ से आती हुई एक कार ने हमें टक्कर मार दी, जिसके चलते मोनू साइड में जा गिरा और उसे काफी चोटें आई, जिसे राहगीरों की मदद से मैं जींद के नागरिक अस्पताल में लाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मोनू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि महावीर की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरा रोड पर सट्टा खाईवाली करते एक व्यक्ति को 14,900 रुपए के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो सफ़ेद रंग की टी शर्ट व काले रंग की पैंट पहने हुए है, आरा रोड पर सट्टा खाईवाली कर रहा है, जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में खड़ा होकर ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा है, आओ सट्टा लगाओ, सट्टा किस्मत का खेल है, अगर लगाया हुआ नंबर आ गया तो 10 रुपए के बदले कमीशन काटकर 80 रुपए मिलेंगे, नंबर नहीं आने पर रकम हजम समझी जाएगी। जिसके चलते पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की तो एक व्यक्ति ऊंची आवाज में सट्टा खाईवाली करते हुए पाया गया। पुलिस ने तुरंत व्यक्ति को काबू किया, जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास 14,900 रुपए की करेंसी व सट्टे की पर्ची बरामद हुई। पुलिस ने सट्टा खाईवाली करवाने वाले नरेंद्र सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उजाना गांव में मां की हत्या करने के आरोपी बेटे संजीव उर्फ काला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी संजीव उर्फ काला को रविवार को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका अक्सर उसकी मां के साथ झगड़ा रहता था। उसकी मां उसको शराब पीने से रोकती थी, जिसके चलते दोनों में ज़्यादा विवाद बढ़ने लगा, तो इस दौरान उसने गुस्से में आकर अपनी मां के सिर में डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में मृतक महिला के देवर चंद्र सिंह की शिकायत पर संजीव उर्फ काला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके चलते संजीव उर्फ काला को घटना के 2 दिन बाद रविवार को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। राजकीय महिला कॉलेज में सोमवार से खाली सीटों पर दोबारा दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। यह जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य पुष्पलता ने बताया कि राजकीय महिला कॉलेज में कई संकायों में 50 से ज़्यादा खाली सीटें बची हुई है। इन सीटों पर दोबारा से विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए 12 सितंबर से पोर्टल खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं वह 12 से 15 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसी दौरान 12 से 16 सितंबर तक फिजिकल काउंसलिंग के तहत खाली सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी इन खाली सीटों पर दाखिला लेगा, दाखिले के 12 घंटे तक उन्होंने अपनी फीस जमा करवानी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो विद्यार्थी खाली सीटों पर राजकीय महिला कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं वह 12 सितंबर से 15 सितंबर तक आवेदन करें ताकि उनको खाली सीटों पर दाखिला दिया जा सके। सामाजिक सरोकार परिवार हरियाणा ने राम राय और गोविंदपुरा में किया 2 नए भारत माता पुस्तकालयों का उद्घाटन। जींद क्षेत्र के 2 गांव गोविंदपुरा और राम राय में सामाजिक सरोकार परिवार की तरफ से भारत माता पुस्तकालय का आज उद्घाटन किया गया। संस्था द्वारा 47 पुस्तकालयों का उद्घाटन किया जा चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के वॉलंटियर सुरेंद्र लाठर ने बताया कि प्रत्येक पुस्तकालय का उद्घाटन गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा हम सब का अधिकार है, हमारी संस्था इसी प्रयास में लगी है कि प्रत्येक गांव में भारत माता पुस्तकालय खोला जाए। आशी रोड स्थित नगर परिषद के हडवारा से हजारों रुपए का लोहे का सामान हुआ चोरी। नगर परिषद अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नगर परिषद का हांसी रोड पर हडवारा बना हुआ है, जिसमें से अज्ञात द्वारा लोहे का सामान, हाथ रेहड़ी, पुराने डस्टबिन, लोहे की गेट व गाड़ियों की बॉडी जो पड़ी हुई थी उसे चोरी कर लिया गया है। इस बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। जिला जफरगढ़ गांव के पास नेशनल हाईवे 352 पर बाइक का नियंत्रण बिगड़ने से पुल से नीचे गिरा बाइक चालक, बाल बाल बची जान। एक बाइक चालक अपनी बाइक पर सवार होकर नेशनल हाईवे 352 पर किला जफरगढ़ गांव से गुजर रहा था। जैसे ही वह पुल पर चढ़ा तो उसी समय उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। गनीमत रहे कि उसकी जान बाल बाल बच गई। हालांकि मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन ज्यादा चोट न होने के कारण मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसके चलते युवक अपनी बाइक को लेकर जुलाना की तरफ निकल लिया। कैथल में एक बैठक के दौरान हरियाणा महिला आयोग प्रमुख रेणु भाटिया और एक महिला पुलिसकर्मी के बीच वैवाहिक विवाद मामले को लेकर हुई बहस का वीडियो वायरल हुआ है। रेणु भाटिया ने कहा था, लड़की का 3 बार चेकअप कराया, लड़के का नहीं कराया, बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल। वहीं पुलिसकर्मी बाहर जाते हुए बकवास करने लग रही है कहती हुई सुनी गयी। जींद, हिसार, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक समेत हरियाणा के सभी बड़े शहरों, देश व विदेश की सभी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल दा मोर्चा को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।